आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पदार्थों की अवस्था स्टेट्स ऑफ मैटर का अध्ययन किया। आइए अब हम इस वीडियो में तापमान और दाब परिवर्तन के प्रभाव इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर का अध्ययन करें। दोस्तों, आपने बर्फ को जल में पिघलते हुए तो जरूर देखा ही होगा और जल को गर्म करने पर जल वाष्प में भी बदलते हुए देखा होगा। इन प्रेक्षणों से हम ये कह सकते हैं कि जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं ठोस, सॉलिड, द्रव्य, लिक्विड तथा गैस में रह सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है? अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? आइए इस वीडियो में हम इन प्रश्नों के उत्तरों को खोजने का प्रयास करें। एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा लें और उसमें थर्मामीटर को इस प्रकार लटका दें कि थर्मामीटर का बल्ब बर्फ को छू रहा हो। धीमी आंच पर बीकर को गर्म करना शुरू करें और जब बर्फ पिघलने लगे तब तापमान को नोट करें। जब संपूर्ण बर्फ जल में परिवर्तित हो जाए तो पुनः तापमान नोट करें। ठोस से द्रव्य में होने वाले परिवर्तन में प्रेक्षण को नोट करें। अब बीकर में कांच की छड़ डालें और हिलाते हुए गर्म करें जब तक जल उबलने ना लगे। थर्मामीटर की माप पर बराबर नजर रखे रहें जब तक अधिकतर जल वाष्प न बन जाए। जल के द्रव्य अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन में प्रेक्षण को नोट करें। आइए पहले हम बर्फ से जल में परिवर्तित होने में प्रेक्षणों पर चर्चा करें। सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि आखिर बर्फ जल में परिवर्तित कब और क्यों होती है। जब हम बर्फ को गर्म करना शुरू करते हैं तो तापमान के बढ़ने पर बर्फ या ठोस में मौजूद कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब बर्फ ठोस पिघलकर जल द्रव्य में परिवर्तित हो जाता है। और क्या आप एक और रोचक बात जानते हैं? जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वो उसका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। किसी ठोस का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। जितना ऊंचा ठोस का गलनांक होगा उतना ही ऊंचा उसके कणों के बीच का आकर्षण बल होगा। इस क्रियाकल्प में आपने प्रेक्षण किया होगा कि बर्फ का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट 273.16 केल्विन है। ठोस से द्रव्य में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संगलन फ्यूजन भी कहते हैं। गलने की प्रक्रिया में आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती तापमान में कोई परिवर्तन नहीं नजर आता। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है, तो ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहां जाती है? दरअसल कणों के पारस्परिक आकर्षण को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। चूंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशेषित कर लेती है, ये माना जाता है कि ये बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट कहते हैं। यहाँ गुप्त का अभिप्राय छुपी हुई से है। वायुमंडलीय दाब पर एक किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे द्रवण की गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं।
अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस या 273 डिग्री केल्विन पर जल के कणों में ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। अब आइए देखें कि जल से जल वाष्प में परिवर्तन के दौरान क्या होता है। जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे इसका क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्वथनांक समष्टि गुण बल्क फिनोमिनन है जिसमें द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। जल के लिए ये तापमान 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प के कणों में उसी तापमान पर जल के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वाष्प के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। इस क्रियाकल्प द्वारा हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। इस क्रियाकल्प के द्वारा हमने सीखा कि गर्म होने पर ये ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाते हैं। लेकिन क्या सभी पदार्थ इसी नियम का पालन करते हैं? नहीं, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन जैसे कुछ पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वापस ठोस में बदल जाते हैं। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन कहते हैं। आइए अब हम दाब परिवर्तन का पदार्थ की अवस्था पर प्रभाव देखें। आइए इसे एक क्रियाकल्प द्वारा समझें। इसमें आप देख सकते हैं कि एक सिलेंडर में गैस को भरा गया है और उस पर इस तरह से पिस्टन लगाया गया है। अब यदि हम इस पिस्टन पर दाब बढ़ाएं तो क्या होगा? हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। अतः आप देखेंगे कि दाब बढ़ाने एवं संपीड़न करने पर गैस के कण समीप आ जाते हैं। यदि हम दाब को बढ़ाते रहें तो ये गैस द्रव में परिवर्तित हो जाएगी। दोस्तों, क्या आपने ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के बारे में सुना है? इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का नाप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ ड्राई आइस कहते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होती हैं। क्या पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है? क्या बिना क्वथनांक पर पहुंचे कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल सकता है? आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझें। जब हम कपड़ों को सुखाते हैं तो उनमें से जल धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा कैसे होता है? ऐसे में जल का क्या होता है? हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव
या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण इवेपोरेशन कहते हैं। आइए देखें वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन से कारक होते हैं। वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है। सतह क्षेत्र बढ़ने पर, जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया होने के कारण सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। आर्द्रता में कमी, वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होता है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से कम होगी तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। वायु की गति में वृद्धि, वायु के तेज होने से जल वाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं जिससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। क्या आप वाष्पीकरण के बारे में और एक मजेदार बात जानते हैं? क्या आपने कभी अपनी हथेली पर एसीटोन की कुछ बूंदें गिराकर देखी है? आपको हथेली पर शीतलता महसूस हुई होगी। ये भी वाष्पीकरण के कारण ही होता है। एसीटोन के कण आपकी हथेली और उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं जिसके कारण आपको हथेली पर शीतलता महसूस होती है। इस तरह हम देख सकते हैं कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता हो जाती है ना ये मजेदार। दोस्तों, इस वीडियो में हमने पदार्थों की अवस्था पर तापमान और दाब परिवर्तन के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर का अध्ययन किया।